Hi everyone, this is Ashish Mukku and I'm an education consultant, and today we will talk about the cost of studying at Alprawi State Medical University. सबसे पहले 13 सितंबर को सबका नीट का पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक सारे पेरेंट्स को, बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी ज़िंदगी में, अपना किसी ने सेकंड टाइम अटेम्प्ट है, किसी का थर्ड टाइम है, किसी का फर्स्ट टाइम है, तो मैं सबको विश करूंगा, अपने दिल से मैं विश करूंगा उन सारे स्टूडेंट्स को कि वो अपना अचीव करें गोल, दे विल गेट द मेडिकल सीट इन इंडिया, जो हर किसी का ड्रीम होता है. बट द थिंग इज दैट कि हमारी सीट्स बहुत कम है, अगर किसी के नंबर कम रह जाते हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज वेयर यू कैन कंप्लीट योर ड्रीम. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एट Alprawi State Medical University. तो आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे, मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स उनका मिला, आई गॉट सम कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो, तो इट्स वेरी नाइस. तो आज हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एट Alprawi State Medical University. नंबर फर्स्ट, हमारा जो फी है Alprawi State Medical University का, वो है अबाउट $4,200, जिसमें आप वेरिएशन हमेशा रखिए 5%. ये पेरेंट्स के लिए है, क्यों, कभी हमारा डॉलर अप जाता है, कभी हमारा डॉलर नीचे जाता है, कभी वहां का करेंसी जो टेंगे है वो मिस कर जाता है राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड वो डाउन आ जाता है, तो 5% का आप इसमें प्लस माइनस रखिए. तो हमारा इस टाइम का रेट जो 73 है आज की डेट के हिसाब से, वो कैलकुलेट होता है अराउंड 3 लाख रुपीज, 3,06,000-7,000 रुपीज बनता है फीस. तो हम इस 3,60,000 को 3,06,000 या उसको 10,000 लेके चलते हैं, हम 3,10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 5. अगर हम इसको मल्टीप्लाई इनटू 5 करते हैं, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, इट इज अबाउट 15 लाख रुपी हमारा 5 साल का फीस है. उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग. What is the cost of living at Alprawi? अगर आप मिनिमम दिल्ली में, बैंगलोर में, कहीं भी अपने बच्चे को भेजते हैं, द मिनिमम कॉस्ट जो उसका मेस का होगा, खाने का होगा, उसका ट्रांसपोर्ट का होगा, दुनिया में क्या, मैं इंडिया में बोलता हूँ, वेदर यू आप अपने बच्चे को बिहार भेजिए पढ़ने के लिए, या यूपी भेजिए, या कश्मीर भेजिए, या साउथ में कहीं भी भेजिए, मिनिमम जो कॉस्ट है दैट इज अबाउट 10,000 रुपीज. तो आप ये मान के चलिए जो आपके बच्चे का खर्चा है वहाँ, वो लाख रुपये है खाने का, ठीक है सर. तो दैट मीन्स इनटू 5, दैट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज. ये पहली चीज, मतलब 15 प्लस 5, हमारा 20 लाख रुपए यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है सर. तो जो ये 5 साल का एक कोर्स है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, आप जब भी फ्लाई करेंगे, आप वीजा पर फ्लाई करेंगे, तो द कॉस्ट ऑफ वीजा जो होता है हमारा हर साल का, दैट इज अबाउट 22,000-23,000 रुपीज, जो $300 होता है पर साल का, आपको कैलकुलेट करना है. मैं उसको 25 लेके चलता हूँ, विद वेरिएशन कुछ भी हो सकता है डॉलर का ऊपर नीचे. तो अगर हम 25 into 5 करते हैं तो ये बन जाता है 1,25,000 रुपए हमारा बनता है. तो हमारा पहला कॉस्ट जो था फीस का 15 लाख रुपए आप मान के चलिए, दूसरा हमारा खाने का खर्चा था 5 लाख रुपए, तीसरा हमारा वीजा का कॉस्ट होता है सर 1,25,000. तो इन सबको जब हम टोटल करते हैं, ये बनता है 21,25,000, ठीक है सर. ये हमारा अभी तक पैकेज पूरा नहीं है. बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारा बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो फर्स्ट ईयर का पैकेज दे देते हैं, सर इट इज़ अबाउट $5,600, $7,000. मगर जो माँ बाप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक एक पाई जोड़ के अपना रखते हैं, और उनको पूरा कॉस्टिंग का पता होना चाहिए, व्हाट इज द कॉस्टिंग टोटल, क्योंकि दे हैव टू बियर द कॉस्टिंग फॉर 5 ईयर्स, और उनका बच्चा बीच में छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि जो उन्होंने पूरा जिंदगी अपना एक एक रुपया जोड़ के 25 लाख 30 लाख रुपए रखा होता है, वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं. तो इसे बोलते हैं फेयर कॉस्टिंग. हम निकालेंगे हमारा एजुकेशन का फी हो गया, हमारा उसके बाद रहने का खर्चा हो गया, हमारा उसके बाद खर्चा हो गया आपके वीजा का. अब अगर आपका बच्चा 5 साल कहीं पढ़ेगा तो ही विल कम टू होम ऑल्सो, वो अपना घर भी आएगा माँ बाप से मिलने के लिए. तो सबसे पहले खर्चा जो इसमें और एक जुड़ता है, दैट इज आपका एयर टिकट. एयर टिकट आपको मिनिमम 30,000-35,000 आपको मिलता है टू वे फ्लो आने जाने का, बट फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपका टिकट का, आपके वीजा का एक शेड्यूल नहीं होता है, तो वी हैव टू बाय ए टिकट इंस्टेंट, और जब आप इंस्टेंट टिकट खरीदते हैं तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा पड़ता है. तो फिर भी आप लगा के चलिए हर साल आपका 35,000 का कॉस्टिंग है टिकट का, 30 या 35 आप मान के चलिए, जिसका आप कॉस्ट और जोड़ लीजिए, आप लगभग आपका हो जाता है 1,50,000 लगभग आप जोड़ लीजिए.
तो आपका हमारा पहला कॉस्ट था 21,25,000 प्लस आप टिकट का जोड़ेंगे तो इट इज अबाउट 22,75,000। ठीक है सर, इसमें आ गया हमारा, दोबारा से मैं कैलकुलेट करेंगे, आपका फी आ गया, आपका लिविंग आ गया, उसके बाद आपका वीजा आ गया, उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं एयर टिकट्स। ठीक है, तो जो इसका वीजा है ये हर ईयर एक्सटेंड होता है और आपको इसका पैसा अपनी जेब में रखना है, या आपको कोई बोले या ना बोले, हर साल का वीजा है, यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, नो बडी इज गोइंग टू पे। ठीक है सर, टोटल हमारा पैकेज अभी तक हुआ है 22,75,000, 22,75,000। अब सर इसके बाद आता है, कोई कंसल्टेंसी हमारे को बोलती है कि सर वहाँ मेडिसिन है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, कोई कंसल्टेंसी हमें बोलती है सर वहाँ इंश्योरेंस होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसी चीज़ें करवानी चाहिए स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, बिल्कुल 100% होना चाहिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अब पेंडेमिक आ गया है, अब हमें पता नहीं है कि आगे सिचुएशन क्या होने वाला है, मे बी दैट विल बी मैंडेटरी, दैट विल बी नॉट मैंडेटरी, बट मेडिकल टेस्ट आपके होते हैं, उसका जो कॉस्ट है इट कॉस्ट्स अबाउट पर ईयर, अगर मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम 7,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपये आपका हर साल मेरे ख्याल से लगेगा मेडिकल टेस्ट के लिए। अब अगर इसमें कोरोना का टेस्ट और जुड़ जाता है मे बी इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, बट राइट नाउ जो हमारे पास कॉस्ट है दैट इज 7,000। तो अभी तक देखिए हमारा जो लोग पैकेज बेचते हैं, मेरे को फोन आते हैं सर व्हाट इज द पैकेज, तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आता, वी कांट सेल एजुकेशन इन फॉर्म ऑफ पैकेज। ठीक है ना, हम हर चीज का पैकेज, वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप विद अ फैमिली, व्हाट इज द पैकेज, वी आर गोइंग फॉर MBBS टू स्टडी, व्हाट इज द पैकेज। तो इस पैकेज को छोड़िए और सच्चाई पे आइए, सच्चाई हमारा ये है 22,75,000, 23 लाख अभी हमारा खर्च हो चुका है जो आपके बच्चे को आपको देना है, बट इट डजंट इंक्लूड्स यूर बुक्स, इट डजंट इंक्लूड्स यूर इक्विपमेंट्स, इट डजंट इंक्लूड्स यूर छोटे छोटे जो और खर्चे होते हैं, पेन कॉपी वो कुछ भी नहीं है, आपका जो क्या कहते हैं मेडिकल का रिलेटेड जो और आपको किताब लेनी है, जो भी लेना है वो इसमें अभी नहीं है इंक्लूड, वो इसमें नहीं। तो देखिए एक पेरेंट के लिए पैकेज वो होता है, अगर मैं आज आपको 30 लाख बोल रहा हूँ तो उसमें से आपको 2 लाख बचना चाहिए। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जस्ट अवॉइड दीज पीपल हु आर सेलिंग द पैकेजेस, देयर इज नो पैकेज फॉर द एजुकेशन। हाँ, आप कहीं भी जाएंगे आप खाना खाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे आप अपना फीस भरिए, ठीक है ना, तो अवॉइड कीजिए अपना फीस किसी को भी एजेंट को देने के लिए, अपना फीस अपनी यूनिवर्सिटी में खुद भरिए आपका। और इसी में हमारे पैकेज में एक सबसे बड़ी बात छूट गई, व्हाट इज हॉस्टल। तो अल्फ्राबी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में वी डोंट हैव अ हॉस्टल, we don't have a government hostel, we have a private hostel, and that private hostel cost about per year about $800, जो आपका लगभग होता है 50,000-55,000 rupees, ठीक है ना, और वो भी हमारे को जोड़ना है। तो उसके बाद हमारा 2,50,000 हमारा लगता है क्या बोलते हैं hostel का भी खर्चा। ठीक है, तो 22 लाख आप ये देखिए, 22,75,000 प्लस आपका और एड हो गया प्लस 2,75,000, स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो जो भी बच्चा अपना पेरेंट जो भी भेज रहा है अपने बच्चे को अब्रॉड में, तो आप ये मान के चलिए दैट यू शुड हैव 27-28 लाख, क्या बोलते हैं 28 लाख आपकी जेब में होना चाहिए, आपको 5 साल में ये आपके पास ये पैसा आना चाहिए कि आपका बच्चा वहां आराम से पढ़ सके। बाकी आपके पास पैकेजेस आएंगे 15 लाख के भी, 20 लाख के भी, 18 लाख के भी। सर ऐसे भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज है जिनका फीस है 2,50,000 rupees, ठीक है, 12.5 लाख की फीस होता है टोटल। आप फिर उसी पैकेज में भेज दीजिए, खाने का आप उसको मत दीजिए, पढ़ने का आप उसे किताब मत दीजिए, और इक्विपमेंट्स आप उसे दीजिए मत क्या कहते हैं MBBS पढ़ने के लिए, तो आपका जो पैकेज होगा वो 18 लाख रुपीज का भी हो जाएगा, 18 क्या मैं बोलता हूँ 13 लाख का भी हो जाएगा। तो जस्ट स्विच यूर ब्रेन, मैं हर पेरेंट्स से यही एक गुजारिश करूंगा और मेरी एक क्या बोलते हैं आपसे एक विनती होगी कि जब भी आप बच्चा भेजें अपना, डोंट गो फॉर द पैकेजेस। पैकेजेस में पहले साल का जो होता है वो सब इंक्लूड होता है, दूसरे साल में ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। वो जो डायग्राम ये बनाते हैं वो डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा और आप उस पर बिलीव करेंगे, बट दिस इज माई रिक्वेस्ट कि अवॉइड द पैकेजेस एंड गो फॉर द ट्रू पीपल, जो आपको बता रहे हैं कितना क्या और कहाँ।
खाना आपको खिलाना है, कपड़ा आपको पहनाना है, तो कपड़े से लेके आपका इक्विपमेंट से लेके आपका खाने से लेके आपका फीस का खर्चा आपकी जेब में ये सब होना चाहिए। अदरवाइज आप वहाँ आपका कोई मदद नहीं करने वाला, nobody is come to help you. So this is my request. If anybody is interested in admissions, a real admission with a real cost, just give me a call on my number. और आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर दिखेगा, उस पर आप मेरे को कॉल दीजिए। एंड आई एम अटैच्ड टू 3 यूनिवर्सिटीज, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज अल्फ्राबी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड वन इज कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बहुत ही एक पुराना यूनिवर्सिटी है, दैट इज फ्रॉम 1970, एंड सेकंड इज बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई कैन गिव यू अ गुड पैकेजेस बट द ट्रू पैकेजेस, ठीक है ना। ये जो 15 लाख 16 लाख का पैकेजेस हमें, मेरे को नहीं आता है ना, मेरे को समझ आता है। थैंक्स अ लॉट सारे बच्चों को। आई विश यू कि आपका बहुत अच्छा नीट हो, आई विश यू कि आप इंडिया में एडमिशन ले, एंड आई विश यू ऑल पीपल द बेस्ट। और अपना अच्छा डॉक्टर बनिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। ओके, दैट्स इट। वंदे मातरम।